धर्म, अध्यात्म व कला संगीत के रूप में विख्यात विश्व की प्राचीनतम जीवित नगर काशी में खेल को भी मिलने वाला है उचित स्थान, क्योंकि वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम का निर्माण शीघ्र ही होने वाला है पूर्ण। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सीग्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम की सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले हैं। जैसे कि क्या क्या बनेगा इस स्टेडियम में, कैसा बनेगा यह स्टेडियम, कितने चरणों में होगा इसका निर्माण, क्या है इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति तथा वाराणसी के इस स्टेडियम की एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही इसकी लागत व उद्घाटन की जानकारी भी आपको हम देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने देश की आधारभूत संरचना को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए कितना कार्य किया है, तथा यदि वाराणसी के संदर्भ में बात करी जाए तो विगत 9 वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प ही कर दिया गया है, जिसके लिए नगर में रिंग रोड, मल्टी लेवल पार्किंग्स, हॉस्पिटल, पार्कों का जीर्णोद्धार, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का पुरस्कार, मॉडल घाट का निर्माण, स्वच्छता का ध्यान, जन सुविधाओं व सुरक्षा की व्यवस्था आदि पर अनेक कार्य हुए हैं तथा यह निरंतर जारी भी है। इसी क्रम में नगर की एक और कमी जो अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम की थी, वह भी अब शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। जी हाँ, वाराणसी में शीघ्र ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपना एक इंडोर स्टेडियम भी होगा। आइए हम आपको सीग्रा स्टेडियम की ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही इस परियोजना की जानकारी देते हैं। बता दें कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से 3 से 4 चरणों में 3 तलीय बनने वाले सीग्रा स्टेडियम में खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर की सुविधा मिलने वाली है। क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए आधुनिक क्रिकेट मैदान भी बनेगा। 125x100 मीटर के क्षेत्रफल में 4 विकेट का क्रिकेट मैदान ICC के मानकों पर होगा। स्टेडियम में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अर्थात NCOE के तर्ज पर शूटिंग रेंज, कुश्ती, मुक्केबाजी, तलवारबाजी और फिटनेस सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। यहां पर खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार किया जा सकेगा। बता दें कि सीग्रा स्टेडियम के प्रथम चरण का निर्माण कार्य वर्तमान समय में अत्यंत तीव्र गति से संचालित है। निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी देने हेतु बता दें कि फेज 1 के 90% से अधिक कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जिनको अक्टूबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि फेज 2 व 3 के कार्य मार्च 2024 तक पूरा होंगे, जिस पर खेल मंत्री द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी हेतु बता दें कि बीते समय काशी में आयोजित हुए खेलो बनारस में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसको आगे से और विस्तृत किया जाएगा ताकि प्रतिभागियों को आगे आने का उचित अवसर मिल सके। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी के नगर मध्य में स्थित पहले से ही उपस्थित डॉक्टर संपूर्णानंद सीग्रा स्टेडियम में 2 तरणताल अर्थात स्विमिंग पूल का निर्माण भी किया जाएगा। इसमें से 1 तरणताल ओलंपिक साइज का होगा, जबकि दूसरा तरणताल सेमी ओलंपिक साइज का होगा। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि स्टेडियम में NCOE के तर्ज पर आधुनिक प्रशिक्षण के लिए 10, 25 और 50 मीटर के शूटिंग रेंज का भी निर्माण होगा। कुश्ती के लिए 4 कोर्ट, मुक्केबाजी के लिए 12 आधुनिक रिंग बनेंगे। तलवारबाजी के लिए 28 कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। यहां 400 खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। व्यायाम के लिए फिटनेस सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल क्षमता 500 लोगों की होगी। यही नहीं, सीग्रा स्टेडियम में 3 तली एरिना में तरणताल फिटनेस सेंटर के अतिरिक्त बैडमिंटन के लिए 15 कोर्ट, टेबल टेनिस के लिए 18 कोर्ट, कराटे के लिए 2, जूडो के लिए 6 कोर्ट बनेंगे। वहीं आउटडोर में 800 मीटर का जॉगिंग ट्रैक, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और 800 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण भी होगा। वर्तमान परिस्थिति की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि इस परियोजना में स्टेडियम के पिछले भाग में निर्माण कार्य जोरों पर है तथा निर्माण कार्य में सैकड़ों श्रमिकों की सहायता से यहां पर दिन रात कार्य संचालित है तथा
इसके बाहर में बैरिकेडिंग लोहे की टिन के शेड से किया गया है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस कार्य में MHPL नामक कंपनी द्वारा कार्य संचालित है तथा अधिकारियों से बात करने पर यह जानकारी मिली कि इस परियोजना में वर्तमान समय में प्रथम व द्वितीय चरण के लिए कार्य संचालित है तथा यह भी बता दें कि इस पूरे स्टेडियम का क्षेत्रफल 15 एकड़ में विस्तारित है। चूंकि यह एक बड़ा क्षेत्र है इसलिए इस परियोजना तथा इसकी वास्तविक जानकारी हेतु एरियल व्यू अति आवश्यक था, इसलिए हमने आपको समझाने में सरलता हो इसलिए ड्रोन की सहायता भी लिया है। बता दें कि इस परियोजना के निर्माण स्थल पर कई पेड़ों को काटे जाने को लेकर वन विभाग से स्वीकृति भी लिया गया था। वन विभाग ने स्वीकृति मिलने के पश्चात स्टेडियम उपस्थित 2 दर्जन से अधिक पेड़ों की कटाई हुई है, जिनकी क्षतिपूर्ति हेतु 10 गुना अधिक पौधारोपण भी किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष जुलाई में इसके प्रथम चरण के लिए विकास कार्य का शिलान्यास किया था और आप देख सकते हैं कि अब तक कितना कार्य पूर्ण भी हो चुका है तथा अब यह स्पोर्ट्स स्टेडियम अपना आकार लेता प्रतीत हो रहा है। बता दें कि वाराणसी में सिगरा के अतिरिक्त एक और क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है और वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात BCCI द्वारा होगा तथा गंजारी स्थित इस दूसरे की क्षमता 30,000 से अधिक लोगों की होगी तथा यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसकी जानकारी भी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिया था। सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इसके पहले फेज का निर्माण कार्य 18 महीने में पूर्ण होना था, जो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। आपको हम एक झलक सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम की पिछले वर्ष की भी दिखलाते हैं ताकि आपको वर्तमान समय से कंपेयर करने में सरलता हो। महत्वपूर्ण है कि वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बनने से पूर्वी भारत में खेल को बढ़ावा मिलेगा, पूर्वांचल के खिलाड़ियों को मंच मिलना सरल होगा। प्रधानमंत्री की रुचि खेलों और फिटनेस के प्रति अधिक है। आशा है कि यह स्टेडियम भोलेनाथ की प्रिय नगरी काशी का वैभव और बढ़ाएगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई सिगरा स्टेडियम की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।